हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। जी सर, गुड आफ्टरनून, अक्षिता बात कर रही हूँ सर, आरबीआई बैंक के ब्याज से रिकॉर्ड लाइन पे। क्या मेरी बात मिस्टर ऋषिपाल सिंह से हो रही है सर? अरे हो रही है मैडम जी। सर, ये सर्विस कॉल है आपके अपने क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, जो कि डिवर्ट थी आपकी 6 जून, क्रॉस हो चुकी है सर। सिस्टम में जैसे भी चेक कर पा रही हूँ, टोटल आउटस्टैंडिंग बता रही है आपकी 1,50,583.12 रुपए और मिनिमम ड्यू अमाउंट बता रही है 8,088.12 रुपए। तो जान सकते हो सर इसका पेमेंट किया या करने वाले हो आप? पेमेंट कहाँ किया है मैडम, पेमेंट करने से होता क्या आज के जमाने में? क्या सर? पेमेंट करने से आज के जमाने में होता है? आज के जमाने में तो डिफॉल्ट करने का जमाना है सर। अब भी मैं जानना चाहती हूँ सर कि ये पेमेंट आपने किया है या करने वाले हो। वही तो बता रहा हूँ मैडम, आज का जमाना है, डिफॉल्ट करने का है, डिफॉल्ट करूंगा। जी सर, अभी आप जो बोल रहे हो ना सर, अभी आज की 17 तारीख है सर, आज के दिन में आपका दूसरा बिल जनरेट हो जाएगा और ऑलरेडी आपको चार्जेस लग चुके हैं 12.5% प्लस 18% जीएसटी, मिनिमम 500 रुपए से लेकर 1300 तक आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लग चुके हैं सर। इसका असर आपके सिविल पर हो रहा है सर। कोई बात नहीं मैडम, होने दो। तो जान सकते हैं सर ये पेमेंट अगर आपने किया नहीं होगा तो कब तक करवा रहे हो सर पेमेंट ये? मैडम आप जैसे आपका जो है ना, आपको टीएल जो स्क्रिप्ट लिख के देता है मैनेजर, आप लोग वही क्यों दोहराते हो? जी सर, आपका जो टीएल और मैनेजर आपको जो स्क्रिप्ट लिख कर दे देता है, आप लोग वही क्यों दोहराते हो? आप लोग जैसे एक मैडम ह्यूमन होता है, मशीन और ह्यूमन में इतना अंतर होता है, मनुष्य जो है ना वो खुद मशीन को बनाता है अपने दिमाग से, और उसका दिमाग चलता है, वो सुनता है समझता है। आपको इतनी बार एक ही बात बता दी मैडम, डिफॉल्ट करूंगा। आप एक ही जो है ना डायलॉग जो आपको आपके टीएल ने या मैनेजर ने स्क्रिप्ट में लिख के दे दिया, सर कब तक करा रहे हो, सर क्यों नहीं हो रहा, वो आप लोग रिपीट करते रहते हो। ठीक है सॉरी सर, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, पर अभी आज की 17 तारीख है, इस कारण दूसरा बिल जनरेट हो जाएगा, इस हिसाब से मैंने वो बात की है सर। तो अभी मैं यहाँ पे वैसे तो अपडेट करवा दे रही हूँ सर, जो भी यहाँ पे बात हुई है, रिकॉर्डिंग लाइन भी है। ओके मैम, ठीक है सर, सॉरी सर, तभी आपको दिक्कत हुई रहेगी। नहीं मैम दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया कि जब आप रिकवरी भैया कलेक्शन करो ना तो आप समझो सामने वाला क्या बोल रहे हैं। जी सर, अभी आप बोल रहे हो मैं समझ पा रही हूँ सर, अभी मतलब जान सकती हूँ सर, अभी मतलब किसी ने कुछ आपको ऐसा कुछ बात हुई क्या आपके साथ? नहीं मैडम, आप लोग जो है ना एक ही स्क्रिप्ट रिपीट करते हो बस, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके ठीक है सर, ओके सॉरी सर, आरबीआई बैंक में देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू। हाँ मैडम, हो रही है हो रही है, और बताइए मैडम कैसे चल रहा है सब कुछ? जी सर, आशा करती हूँ सही समय रहेगा आपसे बात करने का। बिल्कुल मैडम, पूरा सही समय जी। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी, जो कॉल ट्रेनिंग कॉल कॉल की वापस के रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये कॉल आपको किया गया आपके क्रेडिट कार्ड के लिए, लास्ट फोर डिजिट 8003 और सर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,68,293.31। तो सर जान सकते पेमेंट डिले क्यों चल रहा है? पेमेंट डिले क्यों चल रहा है मैडम, ये तो हर कोई जानता है, कुछ नया जानो आप सर पेमेंट के बारे में। मैडम आपके जितने भी एजेंट कॉल करते हैं ये पूछते हैं सर पेमेंट डिले क्यों करता है, आप कुछ नया जानो कि सर डिफॉल्ट कैसे होता है, सर आपने डिफॉल्ट कैसे किया, सर आपने कितने बैंकों से लोन लिया, सर आप कितनों का कर्जा खा के बैठे हो, और सर कितनों का कितना दे चुका, किसी का एक ईएमआई दो ईएमआई दी या नहीं, ये पूछिए आप कुछ नहीं बात। सर ये जानकारी नहीं चाहिए हमें, आपका पेमेंट डिले क्यों चल रहा है वो बताइए हमें। पेमेंट मैडम अभी तो बताया डिफॉल्ट डिफॉल्ट कर दिया मैडम, मैं पेमेंट नहीं करवाऊंगा ऐसे बता रहे हैं। हाँ मैडम, उन पैसों से ना मैंने आराम से, पता है अभी मैं घूम गया था गोवा, गोवा घूमा बीच पे गया मैडम, खूब मजे लिए उन पैसों से। आप लेकिन आपको हमने पेमेंट यूज कार्ड यूज किया है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना सर आपको? नहीं मैडम, पेमेंट में नहीं है।
तो सर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको बार बार यहाँ से कॉल आता रहेगा। तो मैडम मेरा क्या इन्फॉर्मेशन दी जो बार बार खोलना है आप बताओ। तो सर पेमेंट क्यों नहीं करवा आपने कार्ड? मैडम ये बोलो ना कि पैसे देने पर ही कॉल स्टॉप होगा कोई भी इन्फॉर्मेशन, बल्कि अगर मैं अपना सर काट के भी रख दूंगा तो भी कॉल स्टॉप नहीं होगा, पैसे देने पर ही कॉल स्टॉप होगा। साफ साफ बोल दो मैडम, बुरा नहीं लगेगा मुझे। सर ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कार्ड आपने यूज किया तो पेमेंट भी तो आपको ही करना रहेगा ना सर। मैडम आपको पेमेंट के बारे में तो बताया मैंने, तो वही पूछ रही हूँ क्यों नहीं हुआ पेमेंट अभी तक, वही पूछ रही हूँ। BEFAULT डिफॉल्ट। अच्छा तो आप बता रहे हो पेमेंट नहीं करोगे राइट? हाँ मैडम, मैडम मैंने ना एक डिफॉल्ट गुरु बना लिए हैं, तो मेरे डिफॉल्ट गुरु का नाम है कुणाल, तो जो है ना डिफॉल्ट करना सिखाते हैं मुझे, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, कई लाख का डिफॉल्ट करवा दिया आज तक मैडम, मैं बहुत खुश हूँ डिफॉल्ट करके मैडम, दिल से खुश हूँ। ठीक है सर, मैं आप मेंशन कर रहे थे कि आप पेमेंट नहीं करने वाले, ठीक है आपका कॉल आपका किसी समय दिया, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ओके मैडम, थैंक यू मैडम जी, आपकी और कॉल इसमें कर सकते हैं? नहीं मैडम आप अपने तरफ से कर दो, आपके यहाँ से कॉल रिसीव ना होने के कारण यहाँ से आपको कॉल रिसीव किया जा रहा है, आपके यहाँ से कॉल रिसीव ना होने के कारण यहाँ से आपको कॉल रिसीव किया जा रहा है, आपके यहाँ से कॉल रिसीव ना होने के कारण यहाँ से आपको कॉल रिसीव किया जा रहा है, आपको उनकी सेवा देने के लिए सर धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ओके मैडम। हेलो हेलो, कैन आई स्पीक टू सर संजीव कुमार आर्य? यस यस संजीव जी, गुड आफ्टरनून, मनीष बोल रहा हूँ जी, थैंक यू फॉर द कॉल। मैनेजर साहब कैसे हैं? हेलो, अगर हम मैनेजर साहब कैसे हैं? बस सर। और सर एक वीजा कार्ड चल रहा है नियमित 8698। आपका नाम क्या बोला है आपने? मनीष बोलो सर। मनीष किसको कॉल लगाया? हाँ जी, अगर किसको कॉल लगाया? संजीव कुमार आर्य जी बोल रहे हैं ना? संजीव कुमार आर्य, नहीं वो मैं जो है ना थोड़ा सा एक भाई का और है ना इंटरनेट में ही नंबर दे रखा है, तो उसका भी कॉल आ जाता है। तो हम कहाँ पे थे संजीव जी को, सॉरी संजीव कह रहा हूँ, क्या नाम बताया था? नाम भूल जाता हूँ मैं यार, ये मेरे अंदर एक जो है ना बुरी आदत है। क्या था? मनीष बोल रहा हूँ। मनीष, तो मिस्टर मनीष आप मैनेजर बोल रहे हो ना? हाँ जी, बताइए फिर क्या सहायता करें आपकी? सर कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया था। कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग आपने कॉल किया था, तो क्या बात करनी है करिए? सर पेमेंट नहीं हो रही, वही जानना चाह रहा था सर क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा पेमेंट क्यों नहीं हो रही या पेमेंट कब तक होगी आप ये जानना चाहते हो? जी पेमेंट करेंगे कुछ एक महीना और लग जाएगा पेमेंट। सर एक महीने में तो ये कार्ड ही सस्पेंड हो जाएगा सिस्टम पे। क्यों, क्या वो राइट ऑफ हो जाएगा क्या, या वो एनपी हो जाएगा शायद? हाँ जी। तो आपका क्या कहते हैं कार्ड का क्या, पेमेंट सारा क्लियर करके नया निकलवा लेंगे और बताइए। सर किसने कहा आपसे कि कार्ड एनपी होने के बाद आपका जब सिविल डिफॉल्ट करेगा तो आप कार्ड क्लियर करके दोबारा कार्ड आपको बैंक इशू कर देगा? बैंक इशू कर देता है कार्ड पूरा क्लियर करके, आपकी पेमेंट जो भी है ना चुकता करके, सेटलमेंट थोड़ी कर रहा हूँ, आप इशू कर दोगे नया कार्ड, आप नया कार्ड की रिक्वेस्ट करेंगे हम, आप नया कार्ड दे दोगे, अगर आप नहीं भी दोगे तो कुछ टाइम बाद जब सिविल ठीक हो जाएगा तब रिक्वेस्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है और बताइए। चलो सर अगर आपको इतनी नॉलेज है इतनी चीजें हैं तो फिर तो आगे बात करने का कोई फायदा नहीं, आप बता दो क्या मैं आपको कोई चीज गाइड करूंगा, आप कहोगे ऐसा होता नहीं तो फिर उस चीज का नहीं, नहीं, नहीं आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप मनीष भाई, आप बताओ, आप बता सकते हो, आप पूरा पूरा बताओ। नहीं सर मैं क्या आप ऐसी बात करोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा, पूरी पूरी बताओ आपको क्या पता है, बताओ। हाँ जी सर, मैं आप अगर ऐसी बात करोगे मैं बुरा मान जाऊंगा, आप बताइए, आप कुछ मुझे बताना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर आपको जब सारी नॉलेज है कि एनपी हो जाएगा उसके बाद भी आप पेमेंट करा सकते हैं। नहीं मनीष भाई आप बुरा मान गए मनीष भाई, आप बता दो फिर तो उसमें कुछ राय नहीं ना सर बताने में। नहीं फिर भी आप बता दो मनीष भाई क्या बता रहे हो आप, मुझे अच्छा लगेगा आप बताओगे तो। नहीं नहीं सर आपको पूरी नॉलेज है इसकी, आप जब दिल करे तब पेमेंट करा दीजिएगा,
अगर आपको ऐसा लगता है एनपीए होने के बाद भी कार्ड इशू हो जाए, मनीष भाई ये आपका ही नंबर है ना? हाँ जी सर, ये लग जाएगा? हाँ जी सर, ये लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है मनीष भाई, जब दिल करेगा तो आपसे बात भी कर लेंगे। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए जी। धन्यवाद आप सर आपको फोन करने के लिए। ये जो कॉल है आपके ईएमआई के रिगार्डिंग है 5G जी, जो कि आपका चार्ज इशू डिले है। एक बार दोबारा बताना किसको कॉल लगाया जी? कॉल लगाया सर राहुल वर्मा को। आपका नाम? जी मेरा नाम मयूर है। मयूर, 5G पेमेंट पेंडिंग है ना? जी जी सर, चार दिन से डिले आपका। और बताइए मिस्टर मयूर, कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है कलेक्शन जी? वो सब बात करने का टाइम नहीं सर, क्या रीजन है पेमेंट नहीं हुआ वो बताइए आप। मैं नहीं बता रहा रीजन, रीजन छोड़ो यार, रीजन क्या करोगे रीजन का? ठीक है पे कीजिए आप, क्योंकि देखिए 1090 के। अरे छोड़ो यार, पेमेंट वेमेंट की करोगे पैसों का? आपने अभी लिया है तो सर बनना तो पड़ेगा ना। मैं अगर देखो रियलिटी बताऊं, मैं लेके देता नहीं, ये बात तो रियलिटी है। मेरे मोहल्ले वालों को भी पता है मुझे पैसे देते हैं। हाँ वो तो मोहल्ले वाले को पता होगा, पर ये अलग है सर। हाँ तो ये जो बता रहा हूँ, मुझे कोई देता नहीं, आप लोगों ने ले दिया आप तो भाई मेरा दिल ही खुश हो गया आप लोगों के पैसे देने। हाँ वो तो थोड़ी दिन में पता चलेगा आपको खुश हुआ कि क्या हुआ। अरे छोड़ो यार, की पता चलेगा? पता है तुम्हारा भाई भी कलेक्शन से है। हेलो, क्या बता रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ तुम्हारा भाई भी कलेक्शन से है। कलेक्शन से? या कलेक्शन से हूँ मैं। हाँ मैं तो देख पा रहा हूँ मुझे। अरे काम किया था ना कलेक्शन में पहले। और बताओ क्या हो सकता है? वो तो बाद में बताएंगे सर क्या हो सकता है। और अरे मैं बता देता हूँ, देखो आप लोग बेइज्जती करोगे रिश्तेदारों में, दबा के पेलम पाल करके पूरी खूब दबा के, सही है? फिर क्या करोगे आप लोग पड़ोसियों में भी करोगे? ये तो खैर रिश्तेदारी तो अपने हो गए, जो भाई बहन फूफा जो भी होगा पड़ोसी हो गए। अभी सुनते रहो आप प्यार से। तो आप लोग क्या करोगे, कॉल कर करके रोज परेशान करोगे, कुछ बंदे गाली गलौज भी करेंगे, और घर पे मिल गया तो घर पे तो बदतमीजी होगी होगी, बस ये होगा। तुम्हारा भाई इन सब खतरों से अनजान नहीं है, पहचानता है इन सब खतरों को। जी जी वो समझ सकते हैं सर, आपने अभी काम किया है तो। और बताइए क्या चल रहा है? मतलब मैंने सुना है आजकल भाई साहब कलेक्शन अच्छा नहीं चल रहा, क्या कोई दिक्कत हो रही है क्या? देखिए सर इतना आपको बता नहीं सकता मैं। अरे 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 ओ सॉरी, रिकॉर्डिंग लाइन है, सॉरी जी। तो देखिए ठीक है सर, ठीक है आप अपनी तरफ से क्या मेंशन करोगे? हाँ वो तो अभी देखिए सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। नहीं वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बताओ आप अपनी तरफ से क्या मेंशन करोगे? ठीक है आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए आपके तरफ से। अरे यार एक राय और चाहिए थी मुझे तुमसे, एक राय और चाहिए। हाँ बोलिए। मुझे यार एक लड़की को प्रपोज करना है, क्या लेके जाऊँ उसे प्रपोज करने के लिए? देखिए सर आप सही से बात नहीं कर रहे, इसके लिए कॉल मुझे कट करना पड़ेगा आपका। कीमती से 5 मिनट देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। प्रणाली सर, आपका ये अकाउंट है लोन अकाउंट, क्या हुआ सर पेमेंट नहीं आ रहा है काफी टाइम से? केस आई है सर अभी मुंबई, काफी टाइम से पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास जो पैसे हैं वो ना मैंने उड़ा दिया। अच्छा सर, ये आपके नेटिव प्लेस पे पर्सन जाने वाला था, इसलिए आपको कॉल कर रहे थे सर। क्या जाने वाला था? नेटिव प्लेस पे सर, परमानेंट एड्रेस पे आपके। दोबारा बताना क्या जाने वाला था? उड़ीसा, उड़ीसा में रहते हो ना सर, परमानेंट एड्रेस। हाँ हाँ वहाँ पे भी है ना, हमारे यहाँ से नैनी तक आने वाले थे, इसलिए आपको कॉल कर रहे थे सर। क्या प्रॉब्लम? एग्जीक्यूटिव बोलना चाह रही हो आप? हाँ क्या बोल रहे हो? एग्जीक्यूटिव बोलने जा रही हो आप? हाँ मैडम, आप जो है ना मैनेजर वैनेजर जो भी हो आप भेज दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, उससे बात कर लीजिए। और क्या प्रॉब्लम हुआ?
क्यों नहीं मतलब पैसे इतने दिनों से? नहीं मैडम, पैसे वैसे मैडम कहाँ, पैसे वैसे कहाँ, मतलब सर लोन लिया है ना? मैडम उड़ा दिए ना मैंने सारे। उड़ा दिए मतलब सर? उड़ा दिए मतलब मैडम मैंने जुआ खेल लिया, सट्टा खेल लिया और दारू पी ली, लड़की बाजी कर ली, मैडम सारे पैसे उड़ा दिए। सर भरने का नहीं है फिर ये? मैडम आपका नाम क्या है? रखना। मैडम आपका नाम क्या? आप क्या, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बहुत। आपका नाम क्या है? प्रणाली नाम है सर, वही तो बता रही हूँ। प्रणामी जी करेंगे अगर इसका पेमेंट करेंगे एक साल बाद करेंगे। क्या बोल रहे हो, कभी मांगोगे? एक साल बाद करेंगे, मन कर गया तो। एक साल बाद भरोगे सर? हाँ। ऐसे लिख के दिया था क्या कहीं पे बैंक ने, एक साल बाद भरो? अब लिख के दे दूँ? क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? अब लिख के दे दूँ सर? लीगल के लिए केस आई है बता रही हूँ, तो अपना ही बता रहे हो कुछ। तुमने भरा हो प्रॉब्लम तो बताओ ना सर। उड़ा दिया मतलब पैसा भरने के लिए लिया होगा ना? मैडम मैंने लड़कियों पे उड़ाया और आपका मान चलो दारू उड़ाया, कट्टे उड़ाया। हाँ मैडम यही। अच्छा, यही काम करने के लिए लोन लिया था क्या? मतलब यही काम करता हूँ इसमें। अच्छा ठीक है सर, अभी है ना ओडिशा के एड्रेस पे आ रहे मैनेजर, फिर वहाँ पे बात करते। ओके मैडम जल्दी भेजो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।